नदी के साथ कितनी सारी लकड़ियां बहकर आई हैं दोस्तों। देखिए पेड़ के पेड़ आए हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं और बहुत सारे पेड़ हैं और भी कई कुछ आया हुआ है। अब ये क्या टीन होंगे, शेड होंगे। ये रहा दोस्तों पेट्रोल पंप वाला जो हिस्सा है जो बाढ़ में चला गया है सड़क का। ये फिलहाल उतना ही है, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बहा है और, लेकिन यहाँ पर नदी काफ़ी गहरी होती जा रही है। और वो रहा आगे पंचायत भवन हमारा जिसको खतरा है, अभी भी बना हुआ है। इसके साथ देखिए लैंडस्लाइड होता जा रहा है बार बार। और पेट्रोल पंप, चलिए पेट्रोल पंप तो अभी सेफ है। और दोस्तों ये बाइक पता नहीं किसकी है, यहाँ पर कल से खड़ी है, इसका कोई लावारिस ही पड़ी है, इसको कोई उठाता भी नहीं है। ये है दोस्तों दूसरा पॉइंट जहाँ पर सड़क बह गई है और ये भी बिल्कुल वशिष्ठ के ठीक नीचे है। और यहाँ पर पूरी की पूरी नदी इस तरफ आ गई है, देखिए वहाँ से आ रही है सारी नदी और यहाँ पर आके ये सड़क पे आ गई है। चलिए थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, देखते हैं वाला। दोस्तों यहाँ से बहुत ही खतरनाक पॉइंट बना हुआ है, ये वाला पत्थर गिर रहे हैं, ऊपर से स्लाइडिंग भी हो रही है इस जगह पर और यहाँ से सड़क भी बह गई है। जैसे मैं आ रहा था यहाँ पर तो यहाँ पर दरारें पड़ी है, बहुत बच बच के आया हूँ मैं और जल्दी जल्दी जा रहा हूँ यहाँ से ताकि यहाँ कुछ अनहोनी ना हो जाए। आवाज़ सुनिए, ये देखिए पत्थर गिरे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे और थोड़ा सा ये पोर्शन बचा हुआ है, बाकी तो बह गया है। देखिए आगे और दिख रहा है थोड़ा सा जो बह गया है, तो वहाँ तो साथ में दुकानें भी हैं। वो देखिए सड़कें हवा में लटक रही है, नीचे पानी जा रहा है और हवा में ऊपर सड़कें रह गई। बस कितना बुरा हाल कर दिया इस बार इस फ्लड ने। मुआयना चला है सभी लोगों का, सभी लोग आ रहे हैं हालत देखने कि भाई रोड की हालत कैसे हैं, नदी कैसी आ रही है, कितनी भयंकर आ रही है। और यहाँ भी देखिए लकड़ियाँ कितनी आ गई हैं, यहाँ नदी के बिल्कुल साथ सड़क है, सड़क के साथ बड़े बड़े होटल बन रहे हैं और आने वाले टाइम में तो इनको भी खतरा हो सकता है। तो ये है तीसरा पॉइंट, देखिए ये भी बिल्कुल वशिष्ठ के नीचे ही है। मैं अभी जो भी जगहें आपको दिखा रहा हूँ वशिष्ठ हमारे गांव के साथ की जो जगहें हैं, हाईवे है जो गांव के ठीक नीचे से गया हुआ है, वहाँ की जगहें दिखा रहा हूँ। भाई उरे उरे आ जाओ, उरे उरे परे परे कहाँ जा रहे हैं आप लोग, यहाँ से चलो भाई, यहाँ से जाओ, यहाँ से वो गिर जाएगा परे से, यहाँ से जाओ, यहाँ से बचाओ। यहाँ तो रोड में भी मुझे लगता है कल नदियाँ चली हुई थी जिस हिसाब से, जैसा हाल है रोड का अभी। और आगे है मेन, देखिए यहाँ पे, यहाँ पर है मेन खतरा इस घर को, हिल स्टोन इसको है जी खतरा। ये देखिए इससे आगे रोड ही नहीं है, सारा रोड उड़ गया। और जो ये होटल है इसको पूरी तरह से खतरा है और इससे इसके आगे भी मुझे कुछ दिख रहा है, नाला बह रहा है, हमारा नाला आ गया होगा शायद स्कूल वाला नाला, तो वो चलिए चल के देखते हैं।
तो ये हैं जी हमारी सड़कों के हाल आज हुए हैं। ये नाले देखिए सड़क के ऊपर से बह रहे हैं और इसके आगे तो सड़क ही नहीं है। बाकी दोस्तों चलिए थोड़ा ऊपर और चलते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ से भी ख़त्म है। और ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या बुरी हालत हुई है रोड की दोस्तों। मतलब कई टूरिस्ट तो ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं यहाँ पे, और अब मुझे नहीं लगता एक महीने से पहले वो निकल पाएंगे यहाँ से। तो जो ऊपर ऊपर पहाड़ों में देखिए बर्फ़ पड़ गई है, ताज़ा बर्फ, जिसकी वजह से ये ठंड हो गई है बहुत। और आज हमारे गांव के कुछ एक युवा निकले हैं मुआयना करने। हमारे गांव के ठीक ऊपर दोस्तों ये नाले कैसे बड़े हुए हैं, कितने ज़्यादा बड़े हुए हैं। ये राजोगनी फॉल, क्या बात है। ये देखिए ये है नेशनल हाईवे। ये क्या हो रहा है, क्या हुआ यहाँ पे? अच्छा यहाँ तो रेत ही रेत भर गया है दोस्तों, बहुत ज़्यादा रेत और सारा, ये देखिए सारा कचरा रोड पे आ गया है। कौन कहेगा कि यहाँ पर रोड था। लेकिन दोस्तों अब नदी उस तरफ को मुड़ गई है, दूसरी तरफ को, तो फिलहाल इस तरफ को कोई ख़तरा नहीं है अभी। बाकी देखते हैं, क्योंकि नदी हर घंटे अपना रास्ता चेंज करती है, हर घंटे दोस्तों इस फ्लड में। ये देखिए आगे रोड है बढ़िया वाला। ये भी बेचारी कहाँ से आई होगी पता नहीं। और देखो बने पेट्रोल पंप, चलिए पेट्रोल पंप तो बच गया। ओहो लो सोफे वगैरह निकले हैं बाहर। अरे ये रोड तो बैठी है नीचे। दोस्तों जहाँ से नदी इस रोड में घुसी है आके, यहाँ से आके और इस पूरे रोड को तबाह करके, और ये देखिए सासे के अंदर भी घुस गई है ये। ये फोल्डिंग लैंटर नई टेक्नोलॉजी।
देखिए दोस्तों, ये है हमारा जोगनी फॉल, और सभी नालों की तरह ये भी बड़ा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ है। यहाँ पर बहुत बड़ा फॉल होता है और ये बिखरा हुआ, देखिए कितना खतरनाक आ रहा है। ओहो हो, डर हो रहा है यहाँ से देखने में ही। अरे बाप रे। और यहाँ पर सेब का पेड़ है किसी का, ये यहाँ से देखिए पीछे से ही टूट गया है और इतने सेब लगे हैं इसमें। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए फुल है यहाँ पर जो गायब होने वाला थोड़ी देर में। दोस्तों ऊपर ऊपर पहाड़ों पे ताजी बर्फ पड़ी है, अब सही से दिख रही है बर्फ थोड़ी, और मुझे लग रहा है अब थोड़ा पानी का फ्लो भी थोड़ा कम हो गया है क्योंकि बारिश बहुत ही कम होगी अब। ये देखिए, क्योंकि साफ साफ दिख रही है पूरी वैली हम लोगों को नीचे तक, हल्की वहाँ पर धुंध है यानी बहुत कम बारिश हो रही है अभी। धुंध काफ़ी दूर जब नज़र आती है तो इसका मतलब होता है कि बारिश थोड़ी कम ही हो रही है, हो सकता है वहाँ पर ज़्यादा बारिश पड़ रही हो, लेकिन यहाँ पर अभी हल्की बारिश पड़ रही है, देखिए बूंदाबांदी। दोस्तों मुआयना तो हमारा बहुत बढ़िया हुआ, जो भी हम सर्वे करने गए थे वहाँ आप लोगों ने देखा कि बुरे हाल हैं रोड के। अब जो लाहौल के लिए कनेक्टिविटी बनने वाली है वो लगभग एक महीने से ज़्यादा लगने वाला है रोड थ्रू होने को, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा इतने बुरे हाल है रोड के। और कई जगह तो इतनी बड़ी बड़ी खाइयाँ बन गई है नीचे, गहरी खाइयाँ हैं, और वहाँ पर नदी अभी भी चली रही है, जहाँ आपने देखा था वहाँ पे होटल के साथ में, वहाँ पर तो मुझे लगता है कि होटल के पीछे से रोड निकालना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो वहाँ पर रोड जल्दी ठीक होने वाला नहीं है। बहुत सारा मटेरियल वहाँ पर लगेगा तब जाके वो रोड ठीक होगा। और ये देखिए, आने वाले एक दो दिनों में यहाँ पर एक शादी है इस घर में दिनेश की, अब पता नहीं ये शादियाँ कैसी होंगी। आजकल भी वैली में काफ़ी ज़्यादा शादियाँ हो रही है, वो कैसे हो रही है पता नहीं भाई, भगवान जाने।